हेलो गाइस फाइटिंग लैंड माइंस ट्रंचेस एंड बर्म्स यूक्रेन लुक्स टू ब्रीच रशियन डिफेंसिस यूजिंग जर्मन डच एंड नारवेगियन एन एम वन एटी नाइन एस यूक्रेन अब रशिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने वाला है रशिया ने यूक्रेन के जिस जिस इलाके पे कब्जा किया है यूक्रेन उसको दोबारा छुड़ाना चाहता है रशिया के कैद से इसके लिए यूक्रेन मदद ले रहा है जर्मन डच का और नॉर्विगियन एन एम वन एटी नाइन एस का ये कैसे हथियार हैं क्या काम करता है ये मैं बताने जा रहा हूँ यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस ने एक्सपेक्ट किए हैं अपना ट्रांजिशन को शिफ्ट करने के लिए डिफेंसिव से ऑफेंसिव मतलब बचाव से अब अटैक होगा जब उन लोग कॉमेंट्स करेंगे मच एंटिस काउंटर ऑफेंसिव स्प्रिंग या समर में गर्मी के मौसम में या स्प्रिंग के मौसम में उन लोग अटैक करेंगे जिसमें उन लोग को अंडरटेक करना होगा सबसे डेंजरस टास्क को सबसे खतरनाक काम को लैंड वॉरफेयर जमीन के युद्ध में जिसको उन्होंने ब्रीचिंग कहा है ब्रीचिंग जो होगा इन्वॉल्व करेगा होल बनाना एडवर्सरी डिफेंसिव पोजिशन पर मैकेनिकली या एक्सप्लोजिवस की मदद से कोर ऑफ दिस एफर्ट स्पेशलाइज किए जाएंगे आर्मर्ड इंजीनियरिंग व्हीकल्स होंगे इसमें यूक्रेन फोर्सेज जैसे जैसे डीपर जारी रशियन ऑक्युपाइड रीजन्स में ईस्टर्न और साउथर्न यूक्रेन में उनको इनकाउंटर करना होगा ज़मीन में लगाए हुए लैंड माइन्स को ट्रेंचेस को और बॉम्ब्स को जो कि रशियन मिलिट्री द्वारा बनाया गया अटैकिंग यूक्रेनियन फोर्सेज को पहले क्लियर करना होगा माइन फील्ड्स को फील्ड आर ब्रिज को ट्रेंचस को डिमोलिश करना होगा अर्थन बॉम्ब्स को ऑलवाइल और रशिया की सेना यूक्रेन के ऊपर हमला भी करेगी उससे भी बचना होगा अदर वर्ड्स में फॉर्मर आर्मी इंजीनियर ऑफिसर जिनको मोनिकर एंग्री स्टाफ ऑफिसर कहा जाता है इन्होंने कहा है कि ये सबसे अच्छा डिसीजन है साथ में सबसे खतरनाक डिसीजन भी है ये ब्रिज करेगा एनिमी के डिफेंसिव लाइंस को ब्रिंग करेगा उनको दैम विद इन द रीच वेर एन अटैकिंग फोर्सेस कैन नाउ इंगेज क्लोजली विद दैम एंड डिस्ट्रॉय दियर फोर्सेज हाउ एवर वाइल सो द अटैकिंग ट्रूप्स एक्सपोज दम सेल्फ टू सीरियसली वॉलेबिलिटी जब ब्रिज बनाया जाएगा दुश्मन के इलाके में पहुँचने के लिए तो उसमें कुछ समय जो लगेगा उसमें रशिया हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन हमला करेगा रशिया के ऊपर लेकिन यूक्रेन को लैंडमार्क से बचना होगा ब्रिज बनाना होगा साथ में रशिया के फोर्सेस अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकती है मतलब रशिया का एक योद्धा या कोई गाड़ी उसमें बम लगा के वहाँ यूक्रेन के पास भेज दिया जाएगा और वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा तो उससे यूक्रेन के फोर्सेस को बहुत तगड़ा हमला होगा एक तरह का यूक्रेन की फोर्सेस का पूरा हालत पस्त हो जाएगा लेट लेटस्ट सी कुछ एग्जाम्पल्स ए ई बीस के जो प्रोवाइड किए गए की वेस्टर्न पार्टनर्स द्वारा जिसमें एक्स जर्मन पायोनरपेंजर टू ए वन डाइचिस है जो कि प्रोमिनंटली है और मोस्ट अबन्डेंट ब्रीचिंग व्हीकल्स हैं यूक्रेनियन सर्विस में तो यूक्रेन ने इस हथियार को बहुत ज़्यादा यूज़ करा है रशिया के खिलाफ यूज़ करने में पायोनिरजर टू ए वन डच ये मीडियम फुली ट्रैक्ड आर्म्ड व्हीकल है जो कि कैपेबल है परफॉर्म करने के लिए अर्थ मूविंग इंजीनियरिंग ऑब्स्टिकल ब्रीचिंग और ऑब्स्टिकल कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑन बेटल फील्ड यानी किसी भी ब्रिज को तोड़ सकता है ये किसी भी ब्रिज को बना सकता है साथ में अर्थ मूविंग है और इंजीनियरिंग है वेल्डिंग और कटिंग में माहिर है ब्रिजिंग ऑपरेशन में ये फर्स्ट इस ऑपरेशन बाय फायर दुश्मन के फायर से इसको बचना होगा जो कि मेन बैटल टैंक्स को यूज कर सकता है या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को अलाउ करेगा ए ई को रीच करने के लिए पॉइंट ऑफ ब्रिज पे या मेन फील्ड पे या ट्रंच पे या बॉम पे और ये है पायोनजर टू ए वन टच इसी से वो ब्रिज बनाया जाएगा गाइस कंसाइडर का था ट्रेंच एट एड ज्वाइनिंग बम का जो कि केस एड डिगिंग ट्रेंच का प्रोवाइड करता है सॉइल को बम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिससे और ये बम्ब जो होंगे ऑप्शिकल होंगे दुश्मन के कार्बेंट व्हीकल्स के लिए ये बम्ब जो होंगे बनाए जा सकते हैं और बिल्ड किया सकता है हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स लॉन्ग किलोमीटर लॉन्ग यानी सौ मीटर से लेकर हज़ार मीटर तक ब्रिज बनाया जा सकता है और सीनरी जो होगा पॉर्ट्रेट होगा प्रमोशनल वीडियो में रेन मेटेल फीचर किया है पैंजर थ्री कोडक जो कि पिछले वाले वर्सन डच का बेहतर है परफॉर्म करता है ब्रिज को हावे पर डच भी एक्सपेक्ट किया है परफॉर्म करने के लिए ब्रिज को उसी तरीके से जस्ट लाइक कोडेक्ट वीडियो में दिखा रहा है जो डच है वो यूज़ करेगा फ्रंट माउंटेन प्लो को शॉवल करने के लिए हर्थ को ट्रंच के क्रिएट करेगा स्टेबल प्लेटफॉर्म डिक करने के लिए होल को एडजस्टेंट बॉम में देन यूजिंग इट्स एक्सर्कुलेटर बकेट एंड ड्रॉप द डर्ट फ्रॉम द बम इंटू द ट्रंच टू कंप्लीट द ब्रिज विथ इट स्टार्टेड बिल्डिंग विद इट्स पिलो तो पहले वो प्लो से स्टार्ट करेगा बनाना उसके बाद उसके होल्स के अंदर उसको ब्रिज को रखेगा फिर धीरे धीरे उसका निर्माण और आगे करता जाएगा मिलिट्री कमेंट स्टेटर ने सजेस्ट किया है कि जो डच होगा वो केवल तीन मिनट लेगा परफॉर्म करने में इस टास्क को आफ्टर विच जो ब्रिज होगा ओपन होगा एम के लिए पास करने के लिए एनवी के इलाके में नाव केवल तीन मिनट में यदि एनवी के गन्स या मिसाइल लॉन्चर्स ने डच के ऊपर फायर किया और यदि एम सपोर्ट करती हैं फेल करने के लिए सरप्राइज करने के लिए एनवी को तो डच होगा वो पूरी तरह इस नाबूद हो जाएगा जो कि रिजल्ट होगा फेल्यूअर ऑफ ब्रिचिंग ऑपरेशन में और फेल्यूर पहले अटैम्प्ट का ब्रिचिंग में ओडीसी सेवली इम्पैक्ट करेगा पूरे मिशन को क्योंकि रशियन री इन्फोर्समेंट बियर डाउन कर देगी अपॉन एनी अटैम्प्ट ब्रिज आफ्टर डैट यदि रशिया को पता चल गया कि वो ये प्लान बना रही है ब्रिज बनाने का तो एक बार जब इस प्लान को रशिया के फोर्सेस खत्म कर देंगी तो उसके बाद कितनी भी तैयारी कर ले कुछ भी कर ले यूक्रेन तो उसको बनाने नहीं देंगे इस ब्रिज को यूक्रेन के लिए फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और ये है पैन पे टू ए वन डच नॉर्वेगियन एन एम वन एटी नाइन इन जेन्यो पैसेंजन ए वी एस डच के पीछे यूक्रेन ने रिसीव किया पेयर ऑफ एन एम वन नाइन एटी नाइन इन जेनेरियो पैंसेवन आर्मर्ड इंजीनियरिंग व्हीकल नॉर्वे से ये इंटरेस्टिंग है कि ये माइंड क्लियरिंग चार्ज है डजर है और एक्सागवेटर है साथ में ऑल इन वन ब्रीचिंग व्हीकल है ब्रीचिंग व्हीकल है तीनों में मिला के अनलाइक डच ये रैली करता है माइंड क्लियरिंग व्हीकल में जो जो माइंड लगाए गए हैं उसके अंदर जो टैंक को फोड़ देते हैं अर्थ माइन को उनको निकाल सकता है ये फर्स्ट ब्रिज होगा मेन फील्ड में एड्वाइन करेगा ट्रेंचर या बम को एन एम वन एटी नाइन क्लियर करता है पाथ मेन फील्ड में जितने बम बारूद सब लगाए गए है वो सबको हटाएगा ये मेन फील्ड में फ्लो करेगा डर्ट ट्रंच पर बिल्ड करेगा टेम्परेरी डर्ट ब्रिज डिगिंग करने के लिए होल इनटू द बम यूजिंग इट्स एक्सकेवेटर जहाँ पे बम फाइंड किया जाएगा वहाँ पे ये एक तरह का होल बना देगा या उसके ऊपर डर्ट गिरा देगा जिससे सेना को पता चल जाए यहाँ पर बम है और उसको आराम से निकाला जा सकेगा एन एम वन एटी नाइन आर्म्ड किया गया है ट्वेल्व पॉइंट सेवन मशीन गन से ड्राइवर बुल्डोजन से और कमांडर ऑपरेट करेगा इसको मशीन गन से और एड है एम्बिडिट का और अदर फाइटर व्हीकल्स का सरप्राइज करने में एनवी फायर को जो इसके साथ के होंगे इसकी मदद करेंगे कि दुश्मन की कोई भी गोली बंदूक इसको लगे ना नारविगियन बर्जिट टू एर और एन एम वन व्हीकल्स ये प्रिपेयर किए गए हैं ट्रांसपोर्ट के लिए एन एम डेवलप किया गया है लेपर्ड वन टैंक पर 1995 में नॉर्वेजियन आर्मी के लिए इसको एक्वायर किया गया 22 टू एन एम थ्रू 2001 फॉर द इंजीनियर बटालियन इन द ब्रिकेड नॉर्ड द नॉर्वेजियन आर्मी स्कूल आर्मर्ड फॉर्मेशन दो हज़ार एक्सरसाइज में अमेरिका मैरिन कॉप्स के साथ नारवेगन आर्मी इंजीनियर्स ने किया ब्रिज यूज़ किया एन एम वन एटी नाइन सपोर्टेड बाई यू एस एम सी एम वन टैंक्स को और व्हील किया फाइटिंग व्हीकल्स से ब्रिज जो था इसने इंटेल्ड किया पेयर ऑफ एन एम वन एटी नाइन एस को और मैरिन एसॉल्ट ब्रिचर जो कि बस्ट कर दिया था एंटी टैंक ट्रंच को और बम को तो जिसके ये एन एम वन एटी नाइन जो है इसके ऊपर जो मिसाइल छोड़े गए उसने उस मिसाइल को फोड़ दिया उसको लगने ही नहीं दिया इसके अंदर एक काबिलियत है एन एम वन एटी नाइन ने कवर किया एक दूसरे को विद मशीन गन्स और डर्जन ऑफ टर्न्स ऑफ टू डट डर्ट इन टू द ट्रेंच एंड देन एक्सेपेट द बम तो इन्होंने जो डर्ट जहाँ पर लगा था वहाँ से उस बम को निकाला साथ में मैरिन ने टैंक्स और फाइटिंग व्हीकल्स ने पास किए थ्रू तो जो इसकी रक्षा के लिए टैंक्स जो होते हैं और व्हीकल्स जो होते हैं इसके आसपास थे कि इसके ऊपर कोई गोली ना लगे यूक्रेनियन ब्रिगेड ने इसको मिला था टू एन एम वन एटी नाइन डोनेट किया गया था नॉर्वे के द्वारा परफॉर्म करेगा ब्रीच और सिमिलरली तो गाइज तब तक के लिए गुड बाय टाटा बाय बाय